नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले दिन जो स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो में एडुकेशनल पर्पज़ बना रहा हूँ। जो भी टेक्निकल आउटलुक, जो भी लेवल पेश करूँगा, मेरी खुद के रिसर्च है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। और एक जानकारी, अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन होना चाहते हैं, 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, जिसमें आप लोगों को ऐसी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूरा स्ट्रेटजी दिया जाएगा, पेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 2 महीने में डेली इंट्राडे अगर ट्रेड करते हैं तो 2 महीने में 100 क्वांटिटी के हिसाब से 17% रिटर्न मिलेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में, 20% रिटर्न, 5% रिटर्न, 10% रिटर्न, 6% रिटर्न। तो अगर ज्वाइन होना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स में तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862544240 में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली 2 से 3 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ। सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। आज मैंने 4 कॉल प्रोवाइड किया, 4 में टारगेट डन। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले दिन जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बाइंग लेवल था 718.03, सेलिंग लेवल था 679.47। बाइंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड टारगेट डन, और आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है। सेफ ट्रेडर जो है 0.50% के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया। काफ़ी सारे फॉलोअर्स ने मुझे SMS भी किया था, 0.50% के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया। और जो रिस्क ट्रेडर है, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट बुक किया है। तो चलिए, अगले दिन के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को सिलेक्ट करने का रीज़न हम पहले बता देते हैं। टेक महिंद्रा को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, देखिए पिछले तीन दिन स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी। 3 bearish candle है, और देखते देखते 50 days क्लोजिंग प्राइस, 200 days क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया है। डे पीवोट को भी ब्रेक डाउन करते हुए 200 days के नीचे क्लोज हुआ था। लेकिन पिछले दो दिन 200 days को पॉजिटिव ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली क्लोज हुआ उसके नीचे। लेकिन आज फाइनली क्या हुआ, 200 days को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 200 days के ऊपर क्लोज हुआ है। तो रीज़न मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को स्टॉक को सिलेक्ट करने का, वो है पिछले 3 दिन से स्टॉक में काफ़ी गिरावट था। 50 days, 200 days पीवोट को ब्रेक डाउन किया था, लेकिन आज फाइनली 200 days को ब्रेकआउट करते हुए 200 days के ऊपर क्लोज हुआ है। RSI का ट्रेंड सीधा ऊपर की तरफ है, 44 पे है, जहाँ पर हम कह सकते हैं ये ओवरसोल्ड है और ट्रेंड की डायरेक्शन पूरा ऊपर की तरफ है। अगर हम MACD के बारे में बात करें तो MACD हाल ही में 0 line के नीचे है, लेकिन ट्रेंड जो वेव है और ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब तक अगले दिन 200 डेज को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तब तक उसमें बाइंग रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 डेज का लेवल नज़दीकी लेवल है, क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक है, तो शायद 200 डेज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर गैप अप में ओपन होता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा रहेगा, और अगर नीचे गिरते हैं या फिर नीचे ओपन होते हैं तो नीचे रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, ये ओवरऑल अभी बाइंग पोजिशन पर है। 15 मिनट चार्ट में क्या देखें, 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो आज फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट तो किया लेकिन फाइनली क्लोज हुआ इसके नीचे। यहाँ पर देखिए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5 candle, टोटल 5 candle लगातार कोशिश की फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेंस करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। फाइनली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन 50 days क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है और पीवोट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमें यहाँ पर पीवोट लेवल और 50 days हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। RSI का ट्रेंड भी 49 पे है, और 15 मिनट चार्ट में MACD मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, 0 line के ऊपर है, तो ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे है। ठीक, जैसे ही 15 मिनट चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए अब हम व्हाट्सअप ग्रुप देखते हैं, मैंने जो अपनी पेड लाइन को कॉल प्रोवाइड किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने कॉल प्रोवाइड किया, टुडे हैवल्स टारगेट डन, डाबोट टारगेट डन, रिलायंस कैपिटल टारगेट डन, ऑल कॉल टारगेट डन। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको, आप लोगों को, ठीक है, हैवल्स फर्स्ट टारगेट डन। एक्चुअली हैवल्स जो है 75 तक गिरा था, ऑल टारगेट डन हैवल्स,
सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था, ऑल टारगेट डन। उसके बाद देखिए गेल में भी 354.65 सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और फोर्थ टारगेट डन, थर्ड टारगेट डन। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिलायंस कैपिटल, इसमें भी टारगेट डन। यहाँ पर डाबर दिखाई दे रहा आप लोगों को, डाबर भी टारगेट डन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टॉक फ्यूचर। ठीक है चलिए स्टॉक फ्यूचर में दिखाता हूँ। स्टॉक फ्यूचर देखिए, स्टॉक फ्यूचर डाबोर फ्यूचर टारगेट डन। आप शायद कह सकते हैं जो लोग डेली वीडियो देखते हैं, यह पिछले दिन भी आपने कहा था डाबोर। देखिए डाबोर जो है आज मैंने कॉल प्रोवाइड किया, डाबोर फ्यूचर टारगेट डन मैं दिखा देता हूँ। देखिए टू डे लिखा हुआ है, ठीक है टू डे आज का। पिछले दिन भी डाबोर दिया था मैंने कॉल, डाबोर फ्यूचर थर्ड टारगेट डन। ठीक है तो दिखे ये आज का है। ठीक है 421.27 सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है और पिछले दिन मैंने जो कॉल प्रोवाइड किया 422.53 सेलिंग लेवल था, आज का था 421.27। ओके अब हम देखेंगे निफ्टी फ्यूचर। ओके निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर अगर देखें तो निफ्टी फ्यूचर सेकंड टारगेट डन। डोंट ट्रेड सेल साइड, बाइंग साइड एग्जीक्यूट हुआ था उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ सेकंड टारगेट, सेल साइड मैंने ट्रेड करने के लिए ना कर दिया था। ओके तो इस तरीके से मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन भी टारगेट हो गया, वो भी दिखा देता हूँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेड। ओके चलिए देखिए ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन में देखिए रिलायंस कॉल मैंने सेल करवाया था, फर्स्ट टारगेट डन। तो चलिए अब हम लेवल पे चले जाते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स लेवल रहेगा टेक महिंद्रा का, बाइंग लेवल रहेंगे 692.58, फर्स्ट टारगेट रहेगा 693.75, सेकंड टारगेट 694.92, थर्ड टारगेट 696.58, फोर्थ टारगेट 698.70, फिफ्थ टारगेट 701, सिक्स्थ टारगेट 704। सेलिंग लेवल रहेगा 685, फर्स्ट टारगेट 683, सेकंड टारगेट 682, थर्ड टारगेट 681, फोर्थ टारगेट 679, फिफ्थ टारगेट 676, सिक्स्थ टारगेट 673। बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर बाई करेंगे, सेलिंग लेवल के 10 पैसे नीचे सेल करेंगे। ध्यान से सुनिए, बाइंग लेवल के 10 पैसे ऊपर हम बाई करेंगे, सेलिंग लेवल के 10 पैसे नीचे हम सेल करेंगे। बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल के बीच में जो रेंज है उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिना लेवल के ट्रेड नहीं करेंगे। सेफ ट्रेडर 0.50% के प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहता आया था आज भी कह रहा हूँ, 0.50% के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेफ ट्रेडर जो रिस्क ट्रेडर है सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत हो चुकी है मेरी कॉल वॉच करते करते ट्रेड करते करते कि मैक्सिमम टाइम कौन सी टारगेट अचीव होता है। ठीक है और अगर गैप अप में ओपन होता है बाइंग लेवल के ऊपर तो ट्रेड मत कीजिए, गिरने के बाद ब्रेकआउट में ट्रेड कीजिए। और अगर सेलिंग लेवल के नीचे गैप डाउन में ओपन होता है तो ट्रेड मत कीजिए, ऊपर आने के बाद जब गिरते हैं ब्रेकडाउन तब ट्रेड कीजिए। हाँ 20 पैसा 30 पैसा 50 पैसा ऊपर अगर ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अगर 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा नीचे भी अगर ओपन होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, हमें आशा आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862544240 में। ऑनलाइन कोर्स के लिए 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड सर्विस भी ले सकते हैं। कल मैंने लाइव ट्रेड करके वीडियो अपलोड किया था, वो देखिएगा। 7 स्टॉक में मैंने ट्रेड किया, आज भी मैंने 7 स्टॉक में ट्रेड किया, लाइव वीडियो अपलोड किया। उसमें से 4 स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया, 3 स्टॉक में लॉस बुक किया, ओवरऑल प्रॉफिट बुक किया। 100-100 क्वांटिटी करके मैंने ट्रेड किया, ज़्यादा नहीं 100 क्वांटिटी करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऐसी स्टॉक में जो मैं अपने पेड क्लाइंट को ऑनलाइन कोर्स में सिखाता हूँ। 2 महीने में 18% रिटर्न, 15% रिटर्न, 6% रिटर्न, 10% रिटर्न, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोगों को दिख जाएंगे। वहाँ पर मैंने शो करवाया कि कितने परसेंट रिटर्न मिलते हैं, 100 क्वांटिटी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होता है, वो भी रिपोर्ट देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आईशर मोटर्स अगर किसी ने बाई किया, मैंने कहा था 2016 की लेवल 20,001 अगर गिरता है तो नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, उस दिन लगभग 350 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। मैंने ये भी कहा था बाई कब कर सकते हैं, अगर 2016 की लेवल 20,001 को अगर ब्रेकआउट करते हैं उसको अगर सस्टेंस करते हैं तो हम बाई कर सकते हैं। तो आज क्या हुआ, आज फिर से 350-400 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप लोगों ने अगर ट्रेड किया अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कमेंट करते हैं
ग्राफ्ट देखिए, ठीक है, नीचे जाएगा। हम लोगों का अक्सर गलत कहा पर होता है, जब स्टॉक नीचे गिरता है तो हम सोचते हैं गिरते जाएगा गिरते जाएगा, जब स्टॉक ऊपर जाते हैं हम सोचते हैं ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। भाई ग्राफ्ट कैसे चलता है? ग्राफ्ट प्राइस के ऊपर चलता है, प्राइस वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो कैंडलस्टिक भी ऊपर, अगर प्राइस नीचे गिरेंगे तो कैंडलस्टिक भी नीचे। सेम इंडिकेटर भी कैसे चलता है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करके, प्राइस ऊपर तो इंडिकेटर ऊपर, प्राइस नीचे तो इंडिकेटर नीचे। भाई अगर आपने कह दिया ग्राफ्ट, लुक एट ग्राफ्ट नीचे 135%, तो पिछले दिन पहले 1.80% का आप हुआ था आइशर मोटर्स, बाइंग साइड भी प्रॉफिट मैंने जो कहा था। और अगर शॉर्ट किसी ने किया तो 1.35% नीचे गिरा तो शॉर्ट में भी प्रॉफिट। आज क्या हुआ? 2016 के लेवल को फिर से ब्रेकआउट किया, आज भी प्रॉफिट। अगले दिन अगर 2016 लेवल के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो जो मैंने पिछले दिन कहा था वीडियो में कि आगे जाके 1,000 से 1,500 पॉइंट मिलेंगे तो वो भी मिल सकता है। हाँ, तब तक जब तक 2016 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करते, क्योंकि अभी 2016 की लेवल के ऊपर अभी सस्टेंस कर चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिए। तो आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।